आप भी डालो ना जल्दी से, मैं डरा हुआ हूँ, बाप का इतना ये सारी आपकी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। शाम के 5:30 हो रहे हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं तैमूर का वैक्सीनेशन कार्ड लेना है डॉक्टर से, तो आधे घंटे में तकरीबन हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। 6 बजे का उनके साथ हमारा टाइम है। वासी एंड मुस्तफ़ा जी, जाना नहीं है? जाने तो चलें फिर, लेट हो रहे हैं हम लोग। राफी भाई को बुलाओ, निकलें, चाबी मेरे पास है गाड़ी की। मैं जूते पहन लूँ। जल्दी से आ जाओ। यार बात सुन जरा, इधर आ। ये जैकेट मैंने कुछ ज्यादा मोटी नहीं पहनी हुई। नहीं नहीं, आप वैसे भी मोटे हैं। हाथी तो नहीं लग रहा मुझे। हाथी है आप? आपने क्या पहना हुआ? आप तो कुछ पहनो ऊपर, इसीलिए तो आपने वेस्ट भी नहीं पहनी हुई। सर्दी नहीं है इसके ऊपर, कुछ पहनो फुल स्लीव। ऊपर क्या पहनो? फुल स्लीव पहनो बेटा। मैं घर के अंदर। आपने क्या पहना है? उसके ना उसका हाल ना पूछा करें, वो अलग दुनिया में होता है। तो गाइस मेहरू बिल्कुल ठंडी हुई हुई है, नाराज़ हो जाती है सर्दी में खड़ी करते हैं ना, ये कहती है मुझे कमरे में सुलाया करें, तो अभी ये नाराज़ है। 15 मिनट बाद स्टार्ट करके वापस आता हूँ। सो गाइस एक बुरी खबर है, बुरी खबर ये है कि मेहरू में पेट्रोल ही नहीं है और मेहरू स्टार्ट नहीं हुई, तो अभी मैंने बुक कराई है गाड़ी। गाड़ी पे जाएंगे, पेट्रोल लेके आएंगे, मेहरू में पेट्रोल डालेंगे और फिर निकलेंगे हॉस्पिटल नहीं डॉक्टर के क्लिनिक। तो गाइस मैं पेट्रोल पंप पे पहुंच गया हूँ। पेट्रोल पंप ये ना बॉटल में देते हैं ना किसी और चीज़ में देते हैं, प्लास्टिक कैन वगैरह में किसी चीज़ में नहीं देते। अगर आपको पाकिस्तान में पेट्रोल की ज़रूरत है तो आपके पास लोहे का कैन होना चाहिए, बड़ा कनस्तर जो होता है, उसके बगैर आपको पेट्रोल किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। खुला पेट्रोल नहीं देते, अगर कैन है तभी मिलेगा। अभी वो कैन लेके आ रहे हैं और उसकी सिक्योरिटी है तकरीबन 3000 रुपया। 3000 रुपया मैं यहाँ पे जमा करवाऊँगा और मैंने अगर 500 का पेट्रोल लेना है, 1000 का लेना है, जितने का भी लेना है वो मैं इनको पे करूँगा, उसमें पेट्रोल डाल के देंगे। घर जाके मैं गाड़ी में पेट्रोल डालूँगा और फिर कैन इनको वापस ला के दूँगा, तो ये फिर 3000 जो मेरी सिक्योरिटी है कैन की मुझे वापस कर देंगे। मुस्तफा आप क्या कर रहे हो? छोड़ दो, क्यों खोल रहे हो? मेरे टैंकी फुल है उसकी। तो ये कनस्टर आ गया, इस तरह का कनस्टर होता है जी लोहे का, इसके बगैर पेट्रोल नहीं मिलता। तो अभी हम 500 का पेट्रोल लाए, इसमें से डालेंगे इसके अंदर, उसके बाद फिर पेट्रोल पंप जाएंगे और वहाँ से और पेट्रोल डलवाएंगे। ठीक है लिया इधर? अभी कितना आया? 1 लीटर। 500 का कितना आता है? 3 लीटर कुछ आता है। चलो जी पेट्रोल डल रहा है। ओ यार ये डलेगा कैसे? मैं आपको कह रहा हूँ वो कौन जैसी जो चीज होती है उसकी जरूरत होगी। यहाँ से नहीं डलेगा। मजर अंकल से पूछो कौन पड़ी है। आईसी मैं व्लॉग बना रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब हम जाएंगे मजर अंकल को बुलाने। मजर अंकल तू भी बुला रहे? जा ऊपर जा, 1 सेकंड ऊपर जा, ऊपर जा, ऊपर भाग, ऊपर भाग, भाग भाग बस भाग। मजर अंकल जल्दी आए, आ रही है? सोने है, जल्दी आए, पेट्रोल डाल दें गाड़ी में। मजर अंकल हमें वो चाहिए, कौन जैसी जिससे पिछली बार पेट्रोल डाला था। जल्दी दें। और आप भी हैं, आ जाएं, चलें। नहीं नमाज पढ़ने जा रहे हैं, चलें। मजर अंकल आ गए, अब डालेंगे हम पेट्रोल। कौन लगाइए इधर? अब मैं कौन को पकड़ूंगा? नहीं आप छोड़ दो। मजर अंकल कौन को कह रहे हैं छोड़ दो? गिर जाए ना पेट्रोल, आपसे डाला भी नहीं जाता। मजर अंकल प्रोफेशनल है, आपसे नहीं डाला जाना। दिखाएं इसको, कहते हैं पेट्रोल डालना। ओए आ जा, पेट्रोल का कलर पेट्रोल लेके, ये क्या है? ये दही है, पेट्रोल ही तो है। पेट्रोल का कलर वाइट क्यों है? करो ना, ये डल रहा है जी पेट्रोल। डल गया यार, ये भारी बहुत है। नहीं अभी नहीं भरी। 500 में टैंकी कैसे भर सकती? 3 लीटर में टैंकी नहीं भरती। अभी पेट्रोल पंप जाएंगे और डलवाएंगे। ओ मजर अंकल के हाथ पे पेट्रोल गिर गया। नहीं गिर गया, उंगली पे गिर गया। नहीं
उंगली भी गिरे, खत्म भी हो जाओ। ओ मजर अंकल हाथ पे गिर गया, मुझे पता था आपसे नहीं डालना। मजर अंकल प्रोफेशनल है, आपसे नहीं डालना। पर ये देखें कितना गिरा है आपने नीचे, ये देखें थोड़ा सा गिरा है। अब मैं लाइटर, अब रुके, अब मैं लाइटर लेके आ रहा हूँ। आधा लीटर नहीं है, झूठ मत बोलो। मैंने इतनी दफा बोला है कि जो भी जाता है गाड़ी पे वो पेट्रोल डलवा ले, लेकिन नहीं। पेट्रोल की स्मेल अच्छी होती है ना? मैंने तो रात को डलवाया है। जी मैंने रात को डलवाया है। तुमने साइकिल में डलवाया होगा, अपनी गाड़ी में नहीं डलवाया। तो गाइस क्लिनिक पे हम पहुंच गए हैं। डॉक्टर साहब के पीओ को फोन किया था, वो कह रहे थे कार्ड अभी तैयार नहीं है, तो आप थोड़ी देर तक आएँ। अब 7:30 हो रहे हैं, हम क्लिनिक पे पहुंच गए हैं। लेट्स सी कार्ड मिलता है या नहीं मिलता। तो गाइस क्लिनिक बंद हो चुका था, वो हमारे ही वेट कर रहे थे। मुस्तफ़ा और वासे मेरे साथ हैं, वो किधर रह गया है? मुस्तफ़ा गलत बात है, ऐसे नहीं करते बेटा, आप गाड़ी के पीछे छुपे हुए हो। मुझे, मैं डर गया हूँ, पता नहीं किधर चला गया। सो गाइस मुस्तफ़ा 2-3 दिनों से कह रहा था कि मैंने फ़िश खानी है, तो वॉल्टन रोड लाहौर से बड़ी ज़बरदस्त फ़िश मिलती है। तो अभी जा के देखते हैं फ़िश का रेट क्या है और बारबेक्यू लेनी है या फ्राइड लेनी है। यार यहाँ तो अच्छा खासा रश है, ये देखें बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बाइक्स भी खड़ी हुई हैं। और ये है जी ब्लो फिश, यहाँ से मेरे ख्याल में बारबेक्यू ही लूँगा। तो गाइस यहाँ पे फिश जो है वो बारबेक्यू हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त का पीस है। ये रोहू है, तो इनके पास तकरीबन 4 किस्म की मछलियाँ हैं। रोहू है, रोहू में कांटा होता है, फिर पेंगासियस है, पेंगासियस जो है वो बोनलेस होता है। तो आप ये देख ले, साथ में सजी भी है और फिश भी है। ये सारी फिश जितनी भी है ये बारबेक्यू हो रही है। ये ऊपर पंखे लगे हुए हैं ताकि कोयले जो हैं वो गर्म रहें, और इस तरफ भी बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने आग लगाई हुई है, बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे गर्मी है, सर्दी भी नहीं लग रही मुझे, और बड़ा ज़बरदस्त इनका सेटअप है यहाँ पे। ये देखें यहाँ से कोयले लेके जा रहे हैं और ये अंगीठियों में रख रहे हैं कोयले। यहाँ पर भी रोहू लगी हुई है, बोनलेस है, बोनलेस वाली जो है वो पेंगासियस है, बाकी रोहू है, उसके अलावा पॉम्फ्रेट है और मुश्का है। इसके डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं। मैंने जो फिश ऑर्डर की है वो रोहू है। पीछे गाना लग गया है, कॉपीराइट आ जाएगा। सो गाइस 3 किलो रोहू फिश का मैंने ऑर्डर दे दिया है, और मज़े की बात यह है कि वो मुझसे पेमेंट नहीं ले रहे। वो कह रहे पेमेंट हम तब लेंगे जब आपको ऑर्डर डिलीवर कर देंगे, और ऑर्डर टाइम क्या है 50 मिनट्स, 50 मिनट के बाद मुझे ऑर्डर मिलेगा, तब तक हम इधर ही वेट करेंगे। वासे और मुस्तफ़ा को मैंने गाड़ी में बिठाया हुआ है, तो अभी मैं गाड़ी में जा रहा हूँ। मुस्तफ़ा को और वासे को लेके आया हूँ दिखाने के लिए। ये देखें जी, और वो देखें वो वहाँ पे कोयले बन रहे हैं, वो कोयले बना रहे हैं, और कोयले बना के कहाँ रख रहे हैं बताओ, इनके अंदर। यस मुस्तफ़ा कोयले कहाँ बन रहे हैं, बन कहाँ रहे हैं? नो वो बन रहे हैं, वो सामने देखो, वो देखो वो बन रहे हैं। ये गाइस मछली के ऊपर ऑयल लग रहा है, ये ऑलमोस्ट रेडी है। सो गाइस मेरी फिश रेडी है, ये देखें, ये 3 केजी पूरी नहीं है, ये 1 किलो है, हमने 3 केजी का ऑर्डर दिया है। ये हमारी फिश पैक हो गई है, वासे ने पकड़ी हुई है। मुस्तफ़ा नान पकड़ो बेटे, ये पकड़ के आप पीछे बैठ जाओ। सो गाइस मछली आ गई है और बच्चे टूट पड़े हैं मछली के ऊपर। मैं भी, आप भी डालो ना जल्दी से। मैं डरा हुआ हूं, बाप का इतना, ये सारी आपकी है, अब मैं क्या करूँ, सारी आती है। मैंने नहीं खानी, जगह बहुत है। मुस्तफ़ा के लिए स्पेशली आई है मछली, मुस्तफ़ा के लिए स्पेशली नहीं, मेरे लिए। मैं आपको 10 दिन, पिछले 10 दिन से कह रहा हूँ मछली लानी, आप मुस्तफ़ा का नाम ले रहे हैं ब्लॉग में। ना 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 ना, मुस्तफ़ा के लिए आई है, आपने तो कहा ही नहीं मुझे। और तू 10 दिन से कह रहे हैं कि मछली लानी है, नहीं कह रहे हैं, पूछो उससे। ये चटनी मीठी है, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। चटनी मीठी है, ये मीठी और खट्टी होगी दोनों। ये इसमें कंटिन्यू, मैं थोड़ी सी चक के देखता हूं कैसी है। गरम नहीं करना, मजेदार। मुस्तफा ख्याल से खाना बेटे, कांटा ना आ जाए कोई। ये है ने हाथ में ये कांटे, लोग उधर बैठ के खा रहे थे। हाँ। लोग बैठ के खा रहे थे। हाँ। उधर ज्यादा मजा है बैठ के खाने का, लेकिन रश बहुत है कोविड की वजह से, बैठ के नहीं खाना। मैंने कहा चलो पैक करा ले। कोविड कौन है? कोविड दोस्त सबका आजकल बना हुआ। मुस्तफा कैसी है? बहुत मजेदार। तो हम मछली खाते हैं, मछली खा के वापस आते हैं। ये देखें जी कैसे मजे ले रहे हैं। मैंने आपको कहा सीधे होके बैठो, फिर टेक लगा लिया आपने। और ये देखें ये कैसे मजे ले रहे हैं। हाँ भाई बहुत मजे किया, चस्के ले रहा है। और ये कह रहे मैंने उठना नहीं है, आग बड़ा हुआ है, एक बार मुझे मिल जाए तो मैं उठता नहीं। प्लेट में तो तुम्हारी कुछ नहीं नजर आ रहा। मेरी प्लेट देखें। अस्सलाम वालेकुम। ओए क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पीस उतार उसमें से, थोड़ा सा उतार दो, मैंने भी लेना है, या फिर ये सारा मैं ले लूं। ना ना मुस्तफा इस तरह नहीं बेटा, इतना बड़ा नहीं खाया जाएगा आपसे।
आधा आधा कर लो ना इसको, आधा कर लो पीस को, अभी बहुत पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा है, अभी नहीं खाई जाएगी आप लोगों से इतनी। मेरे से खाई जाएगी, आप बैठे थे तो खा लोगे। तो गाइस मछली खा के हम तीनों यहाँ पे लेटे हुए हैं। मुस्तफा क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लिया है। राफे नीचे जाके सो गया है, ये दोनों अभी वो देख रहे थे उस्मान। तो आज के लिए बस इतना ही, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।